नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। 7,000 किलोमीटर की उड़ान भरकर कल भारत आ रहा है राफेल जेट का पहला बैच। जानिए क्या है इसका पूरा शेड्यूल हिंदुस्तान न्यूज डेली की इस वीडियो में। देश और दुनिया में बहुचर्चित राफेल डील के तहत फ्रांस से भारत को मिलने वाले राफेल फाइटर जेट के पहले बैच ने सोमवार को भारत के लिए उड़ान भर दी है। पहले बैच में फ्रांस से 5 राफेल विमान भारत आ रहे हैं। ये विमान बुधवार को हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे। अगले महीने इनका भारतीय वायुसेना में इंडक्शन किया जाना है, यानी अगले महीने तक ये फाइटर जेट औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। आप सभी दर्शकों को बता दें कि दोनों देशों के बीच में 2016 में करोड़ों की राफेल डील हुई थी, जिसके तहत फ्रांस ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे। इन फाइटर जेट्स को फ्रांस एविएशन कंपनी ने बनाया था। इन 36 विमानों से पहले 5 विमान बुधवार को भारत पहुंच जाएंगे। आप सभी को बता दें कि भारतीय वायुसेना के 12 पायलट और इंजीनियर क्रू मेंबर्स इन फाइटर जेट के लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने एविएशन की फैसिलिटी में उन्होंने पूजा भी की थी, एक जेट में भी बैठे थे। सोमवार को फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने बताया था कि 10 राफेल जेट्स की डिलीवरी वक्त पर पूरी कर ली गई है। इनमें से 5 भारत आ रहे हैं और 5 फ्रांस में ही ट्रेनिंग मिशन के लिए रहेंगे। बाकी 36 विमानों की डिलीवरी भी 2021 के अंत तक निर्धारित की गई है, शेड्यूल तक पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा बेल नोटिफिकेशन नहीं प्रेस किया या लाल कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज उसे दबा लें, ताकि आपको नई नई अपडेट्स और नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।